भारत सरकार पूरे देश में 1 अप्रैल से एनपीआर लागू कर रही है, जिसको लेकर पूरे देश भर में बयानबाजी का दौर बना हुआ है। वहीं एनपीआर को लेकर उत्तराखंड में भी कांग्रेस और भाजपा के नेता बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे। एनपीआर को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार एनपीआर की आड़ में एनआरसी को लागू करना चाहती है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में एनपीआर जो लागू किया गया था, उसे उसी हाल में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार अपनी दूर राजनीति के चलते एनपीआर में बदलाव करके एनआरसी को लागू करना चाहती है। वहीं भाजपा के काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि एनपीआर एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर 10 साल में की जाती है। एनपीआर यदि 2010 की तर्ज पर है तो किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो अनावश्यक 8 जानकारियां ली जा रही हैं उस पर कांग्रेस को सख्त ऐतराज है। हमारा स्पष्ट मानना है कि लोगों से, जिस व्यक्ति से पूछा जा रहा है उसके संदर्भ में आप जानकारी लीजिए। आप उससे उसके पिताजी, माताजी, दादाजी, यदि उनकी जन्मतिथि, उनका जन्म स्थान आदि आदि सब पूछेंगे तो फिर ये प्रोसेस जो है एक प्रकार से एनआरसी की प्रोसेस लगती है। देखिए, इसकी हिंदी जनगणना है और हर 10 वर्ष में देश की पूरी जनगणना की जाती है। 2001 में पहले जनगणना हुई थी, अब 2020 में होगी, 21 में ये डिक्लेयर होगी। जनगणना से ही पता लगता है कि हमारे देश को, हमारी सरकारों को कितने अनाज की ज़रूरत है और किस किस चीज़ को हमें, किसको हमें एक्सपोर्ट करने में भला है या और मंगानी पड़ेगी।